चौधरी, मैं फिर कहता हूँ, तू अमेरिका छोड़ के इधर पिंड में ही आ जा। अमेरिका तो हमसे जान छुड़ाना चाहता है, पर हम ही। कार्टून प्राइम। चौधरी, मुझे बता, मैं कैसे बचाऊं अपने टब्बर को इस जालिम दुनिया से? चमन मसीह ने सुलगते अंदाज में चौधरी सजावल से पूछा था। इससे पहले के चौधरी उसकी बात का कोई जवाब देता, चमन कपकपाते लहजे में फिर बोल उठा। हक नवाज जेलदार के पोतों ने मेरे वडवडेरों की कब्रों पर हवेली बना ली है। जेलदारों के डंगर पेशाब करते हैं अब हमारी कब्रों पर। चमन मसीह के खामोश होते ही आसमानों पर जोरदार बिजली कड़की। चौधरी सजावल गरम बिस्तर के अंदर नीम दराज लेटा हुआ था। वो गाँव तकिया पर कोहनी जमाते हुए उसी से टेक लगा के सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे से भी तश्वीश बरसने लगी। उसने लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगा, चमन, तू भी गाँव छोड़कर पिंडी चला जा। आधी सदी और सारी हयाती इस पिंड में गुजर गई। अब क्या पिंडी और क्या पिंड। 70-80 घर हुआ करते थे बस्ती में, अब सिर्फ 6 रह गए हैं। मैं चला गया ना, तो वो 5 भी एक नहीं रह सकते। वैसे भी जो पिंडी गए थे, उन्होंने कौन सा तीर मार लिए हैं? मैंने तो सुना था, गांव छोड़कर जाने वाले ईसाइयों ने बड़ी तरक्की की है। चौधरी सजावल ने चमन मसीह के चेहरे पर गौर किया। उसके चेहरे पर गरीबी ने डेरे डाल रखे थे। दोनों की नजरें मिली। मुंडे पर बैठे हुए चमन ने नजरें चुराते हुए फर्श की तरफ देखते हुए बोलना शुरू कर दिया, जिसने तरक्की की थी उसके सिर्फ दांत मिले थे। मैं समझा नहीं। वो परवेज मसीह था ना, अपना जमाती। परवेज? पेजी। चौधरी के जहन पर यादों की रोशनी पड़ते ही उसकी आंखें खुलती और होंठ खिलते चले गए। वही जिसके अब्बे को पिंडी में नौकरी मिल गई थी और वह 5वीं में ही स्कूल छोड़ के चला गया था। उसकी जन्म कुंडली रहने दे, मुझे याद आ गया है। पिंडी में पेजी बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ याद आया, प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। करोड़ों की सामी था वो। फिर एक दिन खबर आई, उसे अपने दफ्तर समेत ही जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया और क्यों? किसने जलाया ये तो पता नहीं। कहते हैं उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। वो कैसे गुस्ताखी कर सकता है? पेजी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे वो तो बचपन में मेरी नकल करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लिया करता था। कई प्लॉट का रोला था। चौधरी सजावल की बैठक में एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर से झमझम बरसती बारिश और परनालों से बहते हुए पानी की आवाज अंदर ललकारे मार रही थी। चौधरी, दफा कर अमरीका शरीका को, इधर पिंड में ही आ जा। इतने बड़े कुंबे से मरब्बों की तकसीम दर तकसीम होके मेरे हिस्से में 10 एकड़ आई है। शुक्र कर चौधरी, तेरे पास 10 एकड़ हैं। तेरे चाचे के पुत्रों ने तो वो भी फूंक दी है। अब भी 50 कोस दूर अपने कुक्कड़ और कुत्ते लड़ाने पहुंचे होते हैं। चमन की बातों से चौधरी अफसुरदा हो गया था, मगर चमन ने अपनी बात जारी रखी। तेरे चाचे के पुत्र चौधरी कमाले ने किस्तों पर इन्नी वड्डी LCD खरीदी है। चमन ने खस्ता हाल गरम चादर के नीचे फटा हुआ स्वेटर पहन रखा था, जिस पर चौधरी की नजर पड़ गई थी। जब चमन को इस बात का अंदाजा हुआ तो उसने बड़ी चतुराई से अपनी पलकों को जुम्बिश देते हुए चौधरी से पूछा, पता है किसकी जमानत पर LCD किस्तों पर मिली है? कालू मरासी के पोतरे की। कालू मरासी? वो क्या करता है? करना क्या है,
सारी दिहाड़ी पोटे वाले मोबाइल के अंदर बांदरों की तरह टपूसियां मारता रहता है। सुना है उस काम के उसे बड़े पैसे मिलते हैं। ये भी वेला आना था, मरासी तरक्की कर गए और चौधरी और चौधरी अमेरिका चले गए। चौधरी, मैं फिर कहता हूँ, तू अमेरिका छोड़ के इधर पिंड में ही आ जा। अमेरिका तो हमसे जान छुड़ाना चाहता है, पर हम ही। अच्छा चमन, तेरे बच्चे क्या करते हैं? वही जो मैंने सारी हयाती किया, ईंटों के भट्टे पर मजदूरी। बरसात के दिनों में भट्टे का काम बंद हो जाता है, उन दिनों जो भी काम मिल जाए हम कर लेते हैं। जो भी? घर आटा ना हो तो जो भी करना पड़ता है। तुम भी कोई हुनर सीख लेते। ना चौधरियों ने हुनर सीखे और मुझ जैसों ने। लोहार, तरखान, नाई, जिन्हें पिंड वाले कमी कहते थे, उनका जद्दी पुश्ती काम ही उनके काम आया। तुम भी काम बदल लेते, अब तो सारी दुनिया तरक्की कर गई है। तरक्की चीजों में हुई है चौधरी, इंसान तो। तो पहले वड्डी ईद पर इस पिंड के ईसाइयों की भी ईद हो जाया करती थी। खुदा बख्शे तेरी दादी को, वो जन्नती रूप बिन मांगे ही बस्ती के सारे घरों में कुर्बानी का गोश्त भेजती थी। अब तो मांगने से भी नहीं मिलता। इस ईद पर, ईद वाले दिन, मेरी घर वाली ने आलू पट्ठे पकाए थे। वो क्यों? मुसलमान ईद वाले दिन गोबर को हाथ नहीं लगाना चाहते, इसलिए ईसाइयों को कहते हैं ओझड़ी ले जाओ। ये क्या बात कर रहा है तू? चौधरी, तू 15 सालों के बाद पिंड लौटा है। 15 साल गुजर गए? तेरा सबसे निक्का चाचा ना गुजरता तो तूने अब भी किधर आना था? गांव के लोग इतने कठोर कैसे बन गए? एक गंडासा मौलवी आया था यहाँ, सब उसी का किया कराया है। हमारी जिंदगियों को नर्क बनाने के साथ साथ मुसलमानों को भी बोटी बोटी कर गया है। ये सब बाहर का एक मौलवी कैसे कर सकता है? जैसे आधी चमची जाग की गाढ़नी के मीठे दूध को चाटी भर खट्टी लस्सी में बदल देती है। वो हमारा ही दौर था जब मौलवी अजीजुद्दीन कारी शहाब और मास्टर हदायतुल्ला अलग अलग फिरकों से होने के बावजूद कभी आपस में लड़े ना थे। एक ही हुक्के से कड़वे तंबाकू के सूटे लगाने के बाद भी उनकी जुबान मीठी ही रहती। आजकल के मौलवी मस्जिदों में बैठकर एक दूसरे के बखिये उधेड़ते रहते हैं। गांव वालों ने तुम लोगों को ईद का गोश्त देना क्यों बंद कर दिया? उसी चवल मौलवी की वजह से, जुमे की तकरीरों में मसले करता था कि ईसाइयों को ईद का गोश्त देना जायज नहीं। खुद सब कुछ हड़प किए जाता था, मटके जितना पेट था उसका। चलो मान लिया, उस मोहल्ले का मौलवी फसादी था। कारी शहाब और मास्टर हिदायत के मानने वालों को क्या हो गया है? चौधरी, पक्की कनक के खेत की किसी भी नुक्कड़ में माचिस की एक तीली लगाने से देखते ही देखते सारी फसल जल के राख बन जाती है। मौलवी अजीज के गुजर जाने के बाद ये मोहल्ले वाले मौलवी गंडासा को लाए थे। उन दोनों के मरने के बाद वो मौलवी कुल्हाड़ी और टोका ले आए। मैंने तो इन 3-4 दिनों में कोई कशीदगी नहीं देखी गाँव में। मौलवी टोके ने जोगियों की इज्जत को जो कुतर दिया था। साफ साफ बताओ। मूसलाधार बारिश अब थम चुकी थी। चमन को खदशा था कि अब कोई भी खिड़की या दरवाजे के क्वार्ड से लग के उसकी बातें सुन सकता है, इसलिए वो अपने मूंढे को खिसकाता हुआ चौधरी के करीब ले गया। फिर बड़े राजदाराना अंदाज में बताने लगा, मौलवी टोका जोगियों की लड़की निकाल के ले गया था। उसके बाद दूसरी मस्जिदों वाले भी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपने अपने मौलवियों को फारिग कर दिया। उन तीनों के जाने के बाद मुसलमान तो खून खराबे से बच गए, मगर उन तीनों ने हमें जीते जी कहीं का ना छोड़ा। ईसाइयों के साथ उन तीनों ने क्या किया था? बरसात के दिन थे, उसके बावजूद तीनों मस्जिदों के स्पीकर चिल्लम की तरह गर्म ही रहते।
हमारी किस्मत माड़ी। एक रात हमारे गिरजे की छत गिर गई। मैंने पिंड के लोगों से गिरजे पर लेंटर डालने के लिए मदद मांग ली। फिर क्या था, तीनों मौलवियों ने बारी बारी हमारी मंजी ठोकी। तब से हमारा गिरजा बगैर छत के ही है। सब मौलवी कहते थे, जिस किसी ने गिरजे की छत के लिए पैसे दिए वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। मौलवी कुल्हाड़ी तो यहाँ तक कहता था, जिस दिन इनके गिरजे की छत पड़ गई, ईसाइयों ने अपने मजहब की तबलीग शुरू कर देनी है। 600 घरों को तबलीग कर सकते हैं। हमारी रोटी पूरी नहीं होती, हम भूखे नंगे तबलीग करेंगे। मैंने तो अपने पादरियों से भी कभी नहीं सुना कि उनकी तबलीग से पूरे पाकिस्तान में कोई एक मुसलमान मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बचपन में गिरजा पिंड वालों की मदद से ही बना था। तब तो मौलवी अजीज, कारी शहाब और मास्टर हदायतुल्ला ने कोई फतवा नहीं दिया था। या तो वो मौलवी कमले थे या फिर ये बहुत ही सयाने। चौधरी अपनी ही सोचों में गुम था। चौधरी मुझे बता, मैं कैसे बचाऊं अपने टब्बर को इस जालिम दुनिया से। ये सुनते ही चौधरी ने अपने बिस्तर से निकलते हुए चमन के कंधे पर थपकी दी, फिर अपनी लेदर की जैकेट से लोहे की अलमारी की काली डोरी में पिरोई हुई 3 लंबी-लंबी चाबियां निकालकर अलमारी को खोला। चमन, तू मुझे बता, मैं कैसे बचाऊं अपने खानदान को इस जालिम दुनिया से। ये पोटे वाला मोबाइल तेरे लिए। ना कर चौधरी, तू बचपन से मुझे देता आ रहा है, मैं गरीब तो सारी हयाती तुझे कुछ ना दे सका। बचपन में तूने मेरी जान बचाई थी चमन। चौधरी तू मेरा यार है। तेरी जगह खुदावंद की कोई दूसरी मखलूक भी होती तो मैं उसे भी कुएं से निकालने की पूरी कोशिश करता। चल रख ले, नखरे ना कर, इससे तेरे बेटे भी कालू मिरासी के पोते की तरह टिकटॉक बना सकते हैं। मैंने तुझसे मोबाइल ले लिया, अब तू भी मेरा एक काम कर दे, इस मोबाइल को बेच के मुझे रकम ला दे। बेटी का जहेज बनाएगा? नहीं, गिरजे की छत डलवाऊंगा। चौधरी ने लम्हा भर सोचा, फिर चमन के हाथ से वो मोबाइल लेते हुए पलट गया, उस मोबाइल को अलमारी में रखा और अलमारी के अंदर बनी एक छोटी सी तिजोरी को चाबी से खोला, फिर उसमें से 1000-1000 के नोटों की एक कॉपी निकाली, तिजोरी और अलमारी को चाबियों की मदद से बंद कर दिया और चमन की मुट्ठी में नोटों की वो कॉपी थमा दी। गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि गिरजे की छत के लिए मैंने पैसे दिए हैं। दाया जी, आके रोटी खा लो। चौधरी ने चमन को आंखों से नोट संभालने का इशारा किया। चमन ने जल्दी से वो नोट अपनी कमीज के दाएं तरफ वाले खिसे में रख लिए। चौधरी अपने पलंग पर बैठ गया। चमन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने चौधरी का भतीजा था। चमन को देखकर चौधरी के 12 साला भतीजे ने नागवारी का इजहार किया। चमन एक तरफ हटा तो 12 साला लड़के ने एक नजर चमन पर डालते हुए अपने लफ्जों में जोर देते हुए बताया, दाया जी, अब्बे ने आपके लिए देसी कुकड़ पकवाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। लड़का वहाँ से चला गया। चौधरी बैठक से बाहर निकला तो चमन ने जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद करते हुए उसकी कुंडी लगा दी। अब वो दोनों सुर्ख ईंटों के सोलंग पर आमने सामने खड़े थे। मूसलाधार बारिश की वजह से सुर्ख ईंटें मजीद सुर्ख दिखाई दे रही थीं। चमन, कल मेरी वापसी है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चमन अपने दोनों हाथों से चौधरी का हाथ थामकर काफी देर शुक्रगुजार नजरों के साथ उसे देखता रहा। जब उसने हाथ छोड़ा तब चौधरी गली में ही वाकया अपने छोटे भाई के घर की तरफ चल दिया। चौधरी, तूने कभी बताया कि तू अमेरिका में क्या लगा है? चौधरी पलटा
और गौर से चमन को देखने के बाद बड़ी संजीदगी से बोला, चमन। चौधरी के मुंह से उसी का ओहदा और मकाम सुनते ही चमन हक्का बक्का रह गया। वो खुले हुए मुंह के बावजूद भी कुछ बोल नहीं पाया। उसकी हैरत को कम करने की गर्ज से चौधरी ने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, चौधरी चमन। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।